और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी। डेंगू के 3 नए मामले सामने आए हैं। तो डेंगू के 3 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में डेंगू मरीजों की संख्या 26 हो गई है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जो है कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में डेंगू के अब 26 मामले साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर यह तय कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी डेंगू के मरीज हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है, मुस्तैद है, ताकि डेंगू के जो मामले हैं वो ना बढ़ें। आकाश खुराना हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में अब 26 मामले हो गए, ये कहना गलत नहीं होगा कि डेंगू जो है वो अब रफ्तार पकड़ रहा है धीरे धीरे। जी बिल्कुल, डेंगू के मंगलवार को 3 नए मामले जो हैं गुरुग्राम में और सामने आए हैं। वहीं अब जो डेंगू के जो मामले हैं वो 26 हो गए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है अब अलर्ट दिखाई दे रहा है और साथ ही एडवाइजरी भी जो है स्वास्थ्य विभाग में जारी है, जैसे कि प्लेटलेट काउंट अगर 1 लाख से कम है तो तुरंत जो है जो निजी जांच केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है पास में ही, वहां पर अपनी तुरंत जो है जांच करवाएं। और ऐसे में साफ तौर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये भी कहा गया है कि साफ सफाई का भी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए इसमें। जी बिल्कुल आकाश, कई तरह के एहतियात, कई तरह की बातें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताई गई हैं। लोगों को अलर्ट किया गया है कि कहीं पानी जमा है, चाहे कूलर हो, गमला हो और भी अन्य जगहों पर जहां जमा पानी है वो उसकी सफाई करें। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आकाश क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस डेंगू को लेकर? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, 26 मामले जो हैं हो गए हैं, वहीं 3 मामले जो हैं कल ही सामने आए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट दिखाई दे रहा है। 17,000 से अधिक घरों को जो है अब तक चेक किया जा चुका है। हालांकि साफ सफाई का जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि साफ सफाई रखें। फिलहाल आकाश, जो 26 मरीज हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उनकी प्लेटलेट्स काउंटडाउन क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, जो 26 मरीज हैं जो डेंगू से ग्रस्त हैं, जो उनको जो जो मामले हैं उनकी हालत जो है बिल्कुल ठीक अभी बताई जा रही है। हालांकि प्राइवेट अस्पताल में उन सभी का इलाज चल रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार डेंगू के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ एडवाइजरी भी जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। चलिए आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश खुराना हमारे सहयोगी इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। गुरुग्राम में डेंगू के अब 26 मामले हो गए हैं, जबकि 3 नए मामले और सामने आए। इन 3 नए मामलों को मिलाकर 26 मामले अब तक गुरुग्राम में हो चुके हैं।